आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर दृष्टि द विजन में। आज हम देखेंगे क्लास 11 की एनसीईआरटी को, जिसमें मैं कवर कर रहा हूँ बीए बायोलॉजी को। बायोलॉजी में अभी तक हमने देखा है कि जीव विज्ञान क्या होता है, वो मेरा पिछले वीडियो में बताया गया है। अब हम इससे आगे की बातचीत करेंगे। क्लास 11 की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है सजीव जगत, ऐसे है ना, सजीव जगत। सजीव जगत क्या होता है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है द लिविंग वर्ड्स। क्या कहते हैं? द लिविंग वर्ड्स। द लिविंग वर्ड्स, जिसमें क्या देखेंगे, हम जीवों के बारे में देखेंगे, जीवों में भी उन जीवों को देखेंगे जो सजीव है। अब सजीव कौन कौन से जीव है, जीव है जैसे एग्जांपल के लिए मनुष्य। मनुष्य क्या है, एक सजीव है मनुष्य, हाथी, गाय और पेड़, ये सभी क्या है, सजीव है, जिनमें भी जीवन पाया जाता है, जिनमें भी क्या जीवित कोशिकाएं पाई जाती है, वह सभी क्या कहलाते हैं, वह सभी सजीव कहलाते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण दिया है आपको, क्या दिया, एग्जांपल मनुष्य, हाथी, गाय, पेड़, पौधे इत्यादि, ये क्या है, सारे सजीव है, ये सारे सजीव है, इन्हीं को हम सजीव मानते हैं क्योंकि इनमें एक कोशिका पाई जाती है। अब हम इससे आगे देखते हैं कि फिर जीव क्या होता है। सजीव तो ये है लेकिन जीव, जीव क्या है, क्वेश्चन आया हमारे मन में कि जीव क्या है, बताओ जीव क्या है। सजीव, हाँ अतुल, सजीव क्या है, सजीव कोशिकाओं से सेल पाया जाता है, कोशिकाओं को ही सेल कहते हैं। हाँ, कोशिकाओं सजीवों में सेल पाई जाती है, क्या होता है, हम सबसे एक एक ही बात बोलेंगे, जो सजीव होता है जिनमें क्या पाई जाती है, सेल या कोशिका पाई जाती है, वह क्या है, सजीव है। ये जो सजीव है उसमें क्या कोशिका पाई जा रही है, क्या पाई जा रही है, कोशिका। और ये जो निर्जीव है क्या उसमें कोशिकाएं पाई जाती है, नहीं पाई जाती, क्या इसमें कोशिका नहीं पाई जाती। और एक होता है मृत, इसमें मृत कोशिका है, हाँ इसमें कोशिका तो पाई जाती है लेकिन वह कोशिका मृत होती है, कैसी होती है, मृत प्रकार की कोशिका होती है, कैसी, तो इसे हम मृत कोशिकीय जीव कहेंगे या मृतक, मृतक कहते हैं हम। हमने डेफिनेशन क्या देखी सजीव की, सजीव ऐसा जीव जिनमें कोशिकाएं पाई जाती है, स्पष्ट होगा ये तो। दूसरा एक मृत होता है, मृत में भी कोशिका पाई जाती है लेकिन उनके अंदर मृतक कोशिका पाई जाती है, इसलिए हमने इसे कौन सी कैटेगरी में रखा है, मृत की कोशिका में रखा। और निर्जीव, निर्जीव क्या होता है, जैसे मेरे मेरे हाथ में ये क्या है, मार्कर है, मार्कर क्या है, निर्जीव है, क्या इसमें किसी प्रकार की कोशिका पाई गई है, सजीव निर्जीव या सजीव दोनों प्रकार में से किसी भी एक प्रकार की इसमें कोशिका पाई गई है क्या, नहीं पाई गई है, तो ये क्या है, एक प्रकार से निर्जीव है। जैसे ये एग्जांपल के लिए मैं इस वाइट बोर्ड को दे रहा हूं, तो क्या ये वाइट बोर्ड क्या सजीव है या मृतक है, क्या किस कैटेगरी में आएगा, ये मृतक नहीं, ये आएगा निर्जीव की कैटेगरी में, क्योंकि ना ही इसमें पहले कभी कोशिका हुआ करती थी ना ही मौजूद है। जैसे एग्जांपल लकड़ी की कुर्सी है या फिर ये लकड़ी का गेट लगा हुआ है, क्या ये किस कैटेगरी में आएगा, जीवित में आएगा, निर्जीव में आएगा, मृत में आएगा, मृत में आएगा, क्योंकि ये जब भी पौधा था या पेड़ था उस समय क्या था, ये सजीव था, उस समय इसमें क्या पाई जाती थी, कोशिका पाई जाती थी, इसलिए इसे हम क्या मानेंगे, मृतक मानेंगे। यहां तक की बातें क्लियर, हाँ।
अब हम इससे आगे की बातचीत करेंगे कोशिका के बारे में। क्या देखेंगे? कोशिका। कोशिका क्या होती है? क्योंकि हमने देखा है कि सजीवों में क्या पाई जा रही है? कोशिका पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है? नंबर एक, सजीवों के हम विशिष्ट लक्षण देखते हैं, जिसमें सबसे पहला लक्षण हम देखेंगे कोशिका का। क्या सजीव में, किसमें पढ़ रहे हैं हम? सजीव में। सजीव, सजीव में हम पहला पॉइंट देख रहे हैं कोशिका का। किसका? कोशिका का। हाँ, तो दोस्तों बता, कोशिका क्या होती है? कोशिका क्या होती है? कोशिका जीवन की प्रारंभिक इकाई होती है। हाँ, कोशिका क्या है? जीवन की प्रारंभिक मूलभूत इकाई है, क्योंकि जो भी मनुष्य या फिर अन्य जीव जंतु बने हैं, वह सभी सबसे पहला उसका कौन सा अंग बना? कोशिका ही बना। हम अंग नहीं कह सकते हैं इसे, क्या? कोशिका ही प्रारंभिक इकाई है, क्योंकि जब भी जीवन की उत्पत्ति हुई है तो सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? कोशिका का निर्माण हुआ। तो कोशिका क्या होती है? कोशिका इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर होता है, मैं आपके सामने चित्र बना रहा हूं। ये कुछ इस प्रकार की पाई जाती है। क्या होती है? कोशिका इस प्रकार की होती है, जिसमें यहाँ पर या बीच में कहीं पर भी एक केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें डीएनए कुछ इस प्रकार से पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, इसे हम क्या केंद्रक कहेंगे? केंद्रक। और ये जो मेम्ब्रेन नुमा स्ट्रक्चर है, इसे हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन या कोशिका भित्ति। क्या क्या कहेंगे हम इसे? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। तो यहां तक की बातें क्लियर हो गई कि कोशिका भित्ति क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, और फिर केंद्रक। केंद्रक को इंग्लिश में कहा जाता है न्यूक्लियस, यही बोला जाता है ना, न्यूक्लियर। और इसमें कुछ इस प्रकार के भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और यहां पर एक जो द्रव्य भरा होता है, जिसे हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहते हैं, या एक और इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। इसे मैं जीव द्रव्य भी कहता हूं। क्या? जीव द्रव्य भी कहा जाता। तो ये दोस्तों देखा है आपने कोशिका, जो किसी भी सजीव या मृतक में पाई जाती है, लेकिन मृतक में जो कोशिका पाई जाती है वो किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? वो मृत कोशिकाएं पाई जाती है। अब हमने इसे जीवन की मूलभूत इकाई क्यों कहा है? तो जीवन की मूलभूत इकाई हमने इसलिए कहा है क्योंकि इसमें, इससे ही जीवन प्रारंभ होता है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? साइटोप्लाज्म। जैसे कि जीव द्रव्य, जीव द्रव्य क्या है? जिसमें जीवन पाया जाता है, जीव द्रव्य कहलाता है। यहां तक की बात क्लियर? और दूसरा, इसमें क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। डीएनए प्रत्येक मनुष्य के लिए या प्रत्येक जीव के लिए एक मूलभूत इकाई है यह भी, क्योंकि डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए के सबसे छोटे खंड को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए का कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, इसे हम डबल हेलिक्स डीएनए कहते हैं। कैसा डीएनए बोलते हैं हम? इसे डबल हेलिक्स डीएनए कहते हैं। डीएनए की सबसे छोटी इकाई, जिसे जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। अब जीन का क्या काम होता है? जीन, जैसे कि एक हिंदी बॉलीवुड में एक डायलॉग चलता है कि मैं ऐसा क्यों हूं, क्योंकि भाई साहब आप ऐसे इसलिए हो क्योंकि आपके अंदर इस प्रकार के जीन पाए जाते हैं। जैसे कि मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है, मैं ऐसा इसलिए हूं क्योंकि मेरे अंदर जो हाइट बढ़ाने वाले जीन है वो इतने ही है कि वो 5 फीट 6 इंच ही बढ़ा सकते हैं मेरी हाइट को। जैसे कि मेरे वाल काले हैं, तो मेरे जो वाल का कलर काला करने वाले कुछ ना कुछ जिन ऐसे होंगे, विशेष लक्षण प्रदर्शित करते होंगे जिनके कारण मेरे बाल काले हैं। तो इसलिए हमने इसे क्या माना है? जीवन की प्रारंभिक
इकाई माना है क्योंकि प्रत्येक कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है और सेल मेम्ब्रेन होती है। तो प्रत्येक कोशिका के अंदर एक अपना खुद का जीवन होता है। तो मनुष्य का शरीर या किसी भी जीव या जंतु या पादप का जो शरीर बनता है वह कितनी कोशिकाओं से मिलकर बनता है, वह एक कोशिका से तो मिलकर उसका जीवन या उसका शरीर बनता नहीं है, उसमें अनेक प्रकार की या अरबों कोशिकाएं पाई जाती है। तो हमने सजीवों का पहले उसमें क्या देखा है, पहले कोशिका देखी क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण इकाई है सजीवों में। अब हम इसमें अगली बात देखते हैं कि जो कोशिका पाई जाती है क्या सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी है, सबसे बड़ी सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सी है, सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी है, उनको हम देखते हैं। हाँ, जो पृथ्वी पर अभी तक सबसे बड़ी कोशिका है, क्या पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी कोशिका है? हाँ, सबसे बड़ी जो कोशिका है वह पृथ्वी पर वह शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, ये सबसे बड़ी पृथ्वी पर अभी तक जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती है उन सभी में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की ही है। जैसे कि अभी तक हमने देखा है कि वैज्ञानिकों के द्वारा आपकी जो एनसीईआरटी में दिया गया है 1.7 से 1.8 मिलियन प्रकार के जीवों की प्रजातियों की अभी तक क्या वर्गीकरण किया जा चुका है, क्या किया जा चुका है, वर्गीकरण किया जा चुका है। कितना? 1.7 से 1.8 मिलियन। कितना? 1.8 मिलियन। तो दोस्तों आपको पता होगा कि 1 मिलियन के बराबर होता है 10 लाख। तो जैसे कि इसमें 1.7 है तो ये 17 से 18 लाख जीवों की प्रजातियों को अभी तक वर्गीकरण वैज्ञानिकों के द्वारा किया जा चुका है। तो हम देखते हैं कि जो शुतुरमुर्ग का अंडा है, इस 17 से 18 लाख की जो प्रजातियां है उसमें सिर्फ शुतुरमुर्ग का ही अंडा ऐसा है जो सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है इस पृथ्वी पर। यहां तक की बातें क्लियर? यह एक कोशिकीय होता है। अब हम आगे देखते हैं कि सबसे छोटी कोशिका किसकी पाई जाती है। तो पृथ्वी पर सबसे छोटी जो कोशिका पाई जाती है वह पाई जाती है माइक्रोप्लाज्मा। क्या? कौन सी कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है पृथ्वी पर? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कौन सी देख रहे हैं हम? छोटी देख रहे हैं, छोटी छोटी कोशिका में देखेंगे हम माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका हमने देखी है तो वह शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे बड़ी कोशिका देखिए तो शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका देखते हैं हम इस पृथ्वी पर तो माइक्रोप्लाज्मा। अब हम देखते हैं कि मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका है कौन सी पाई जाती है और सबसे छोटी कोशिका कौन सी पाई जाती है। अब हम कोशिका में भी देखेंगे मानव के अंदर। मानव के अंदर जो कोशिका पाई जाती है, कोशिका में हम देख रहे हैं किसके अंदर? मानव के अंदर। हम सब क्या है? मनुष्य। किस कैटेगरी में आते हैं? मानव। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस किस भाषा का नाम है? लैटिन भाषा का है। लैटिन भाषा को क्या कहा जाता है? मृत भाषा कहा जाता है। लैटिन भाषा को मृत भाषा इसलिए कहा जाता है कि उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता। तो हम देख रहे हैं होमोसेपियंस के बारे में, यानी कि मानव के बारे में। मानव में जो सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है क्या होता है? सबसे लंबी। एक होता है सबसे क्या? लंबी कोशिका। सबसे
लंबी कोशिका और दूसरा हम देखेंगे इसमें सबसे छोटी, छोटी बीच में ले लो इधर, चलो सबसे बड़ी कर लेते हैं यहाँ पे, सबसे बड़ी और सबसे छोटी छोटी। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मानव में जो कोशिकाएं पाई जाती है उसमें सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है और सबसे लंबी कौन सी कोशिका है जो मानव में पाई जाती है। अब हम मानव की ओर मानव में पढ़ रहे हैं तो मनुष्य में जो ये जो सबसे लंबी कोशिका पाई जाती है वह कौन सी है? तंत्रिका तंत्र कोशिका है या तंत्रिका कोशिका है? कौन सी कोशिका है ये? तंत्रिका। तंत्रिका एक प्रकार का तंत्र होता है, इसमें कोशिका पाई जाती है जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं हम। और दूसरी सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है वह कौन सी कोशिका है? अंडाणु। अंडाणु जो महिलाओं में पाया जाता है। और मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है? शुक्राणु में। शुक्राणु है क्या है? एक प्रकार की कोशिका है ये। इसमें क्या होता है कि ये हमने देखा है मानव के अंदर सबसे लंबी जो कोशिका पाई जाती है वह तंत्रिका कोशिका। दूसरा हम देख रहे हैं सबसे बड़ी कोशिका जो सिर्फ मानव में मादाओं में ही पाई जाती है यानी कि फीमेल में ही पाई जाती है। जो कहा जो कौन सी कोशिका है? अंडाणु कोशिका है। और एक शुक्राणु होती है मानवों में, वो सबसे छोटी कोशिका है। तो ये कहाँ पर पाई जाती है? ये सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है। तो यहां तक की बातें क्लियर? अब हम आगे देखते हैं कि जीव द्रव्य होता क्या है। जीव द्रव्य जैसे कि मैंने आपको डायग्राम बना के बताया कोशिका का, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म को ही जीव द्रव्य हम कह सकते हैं, या साइटोप्लाज्म को एक इस जीव द्रव्य को इंग्लिश में कहा कहते हैं, क्या कहते हैं हम? प्रोटोप्लाज्म। इस जीव द्रव्य को हम क्या नाम देते हैं? प्रोटोप्लाज्म। इसमें हम देखते हैं कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका का एक केंद्रक होता है, कोशिका साइटोप्लाज्म होता है। तो ये सभी क्या कोशिका के अंग है या जीव द्रव्य हम इसके अंदर कह सकते हैं। फिर हम आगे देखते हैं इसमें कि कोशिका एक मतलब विशिष्ट लक्षण है ये भी। हाँ, एक कोशिका क्या है? सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है क्योंकि यह सिर्फ सजीवों में ही पाई जाती है। इसके अलावा एक मृत में पाई जाती है कोशिका, लेकिन ये जो कोशिका होती है मृत में वह मृतक कोशिकाएं होती है। तो यहाँ तक अभी हमने दो पॉइंट देख चुके हैं, एक देखा है जीव द्रव्य का, दूसरा देखा है कोशिका का। अब हम देखते हैं इससे आगे जैव रासायनिक अभिक्रिया कि जैव रासायनिक अभिक्रिया सजीवों में क्या होती है, या जो जैव रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है सजीवों में। नंबर तीन पे हम लेते हैं किसको? जैव रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया अब आप बताइए कि जैव रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। आपके मन में ये डाउट होगा कि जैव रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैव रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले क्या है अतुल? उपापचय। जैव रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें कुछ तो इसमें अभिक्रिया होगी जो निर्माणकारी होंगी और कुछ होगी विघटनात्मक होगी। अब हम देखते हैं कि निर्माणकारी अभिक्रिया क्या कहलाती है और विघटनात्मक अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो इस जैव रासायनिक अभिक्रिया के अंदर एक होता है मेटाबॉलिज्म। क्या होता है? मेटाबॉलिज्म, जिसे हिंदी में कहा जाता है उपापचय।
कौन सी क्रिया होगी इसके अंतर्गत? उपापचय वाली अभिक्रियाएं होंगी। उपापचय अभिक्रिया उन अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें विघटनात्मक अभिक्रिया भी होती है और निर्माणकारी अभिक्रिया भी होती है। तो इसीलिए इस उपापचय को हम दो भागों में बांटेंगे। पहला बांटेंगे किसमें? पहला बांटेंगे हम उपचय में। किसमें? उपचय में, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म क्या कहते हैं हम? एनाबोलिज्म। एक दूसरा होता है इसमें अपचय, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म अब हम इससे आगे की बातचीत देखेंगे, जिसमें जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को देखेंगे। अगले वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगा।